मेरे YouTube चैनल पे मेरे किसी दोस्त का कमेंट आता है कि सर मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए कि मैं टीम को जल्दी डुप्लीकेट कर पाऊँ ताकि वो लोग भी अपना अपना काम करना शुरू करें, ताकि बिजनेस की जो ग्रोथ है, एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है लेकिन मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्त आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत सारे लोगों से रिलेट करता है और ऐसी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ तकरीबन तकरीबन 95% से भी ज़्यादा लोगों को आ रही है। तो इसके लिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैसे अपनी टीम को जल्दी ग्रोथ में ला सकते हैं, उसको जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको आप जल्दी डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 5 पॉइंट आपने ध्यान से सुनने हैं, देखने हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। और यदि आपको मेरे चैनल से थोड़ी भी एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपने आज तक तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों पहला पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि एक कैलकुलेशन बना के रखें। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आप बताएं कि सामने वाले को सिर्फ इतना समझ में आ जाए कि वो कितने का प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। सेकंड, यही चीज़ वो कितने लोगों को करवाने से कितना उसको आ सकता है, ठीक है ना। उस टाइम पे आप उसको बिजनेस वॉल्यूम का या उसको लाइनें मेंटेन का, उसको लीडरशिप बोनस का, फंड का, ये चीज़ें आप शुरुआत में पहले ही दिन मत बताइए। पहले उसको इन्वॉल्व होने दे, उसको आसान लगने दे। दोस्तों जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना पहली बार, तो उसको हम चॉकलेट देते हैं, खाने पीने की चीज़ें देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसका भविष्य है स्कूल। पहले ही दिन हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं कि आपको इतनी इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी, इतना सारा आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात आपको जाग के पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ेगी, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। ये चीज़ें हम पहले दिन थोड़ी बताते हैं। पहले ही दिन अगर बता दिया तो वो बच्चा स्कूल में ही नहीं जाएगा। लेकिन हम उसको फिर भी थोड़ा बहुत लालच देते हैं, टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं, पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि वो बच्चा जब जाना शुरू कर दिया, 1 साल 2 साल जब वो पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है। सेम यहाँ पे भी आपने सबसे कम फॉर्मूला, जिससे कम से कम फॉर्मूले पे काम हो सकता है वो बताना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक पिछले बार एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट तरीके में प्लान कैसे दिखाएं, ठीक है ना। उसको आप देख सकते हैं, आई बटन पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। सेकंड, आपने दूसरी बातों का ध्यान रखना है, प्लान डिटेल में दूसरी मुलाकात में समझाएं। यानी कि पहली बार आपने केवल आंकड़ा बताया था कि इतना यूज करने पे आपको ये मिलेगा और इतने लोगों को इतना यूज करा देते हैं तो इतना मिलेगा, ठीक है ना। तो दूसरी बार में उसको आपने ये समझाना जरूरी है कि आपको ये जो लोग हैं, जितने लोग आपने बताए हैं, जितना प्रोडक्ट यूज करने वाले, तो वो कितनी लाइनों में और किस तरीके से आपने उनको ज्वाइन कराना है, ये फॉर्मेट उसको दूसरी बार में आपको मोटा मोटी समझाना है। और ये एक ही बार में बताने से काम नहीं चलेगा, जब भी आपको टाइम मिले आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मैंने आपको पिछली बार जो बताया था क्या उसमें से थोड़ा सा आप मुझे बता सकते हैं। अगर वो कहता है जी मेरे कोई कुछ भी याद नहीं है, तो फिर उनको बताइए, थोड़ा सा नोट डाउन कराइए। क्योंकि हमें किसी को भी ज्वाइन कराने से ज़्यादा उसको संभालने पर भी थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो फिर लोग कभी डुप्लीकेट हो ही नहीं पाएंगे अगर आप सिर्फ नए जोड़ने में ही लगे रहोगे। तो तीसरा आपने पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें उस व्यक्ति का इंटरेस्ट देखिए जो आपने ज्वाइन कराया था। अगर वो आपको इंटरेस्टेड दिखाई देता है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, हर व्यक्ति की जानकारी में लगभग 100+ लोग होते ही हैं, 100+ फैमिली होती ही होती है। अब 100+ फैमिली में से मान लीजिए कि कुछ 5-10 लोग तो ऐसे जरूर निकलते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 100 पे सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ। तो उन 10 लोगों को ही आपने आगे बढ़ाना है, जो व्यक्ति के थ्रू वो मिले हैं उसके भरोसे मत बैठिए। उन लोगों को भी आपने खुद तैयारियां करानी है, उन लोगों की भी खुद आगे टीम बनवानी है। यानी कि आपको अपने नीचे के लोग और अपने नीचे के लोग यानी कि दूसरी डेप्थ, और उन लोगों के नीचे के लोग यानी कि तीसरी डेप्थ तक को खुद संभालना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी ऐसे तो फिर ये 10 10 के नीचे फिर 10 100 हो गए, 100 के नीचे फिर 1000 हो गए। दोस्त आप चिंता मत करिए, जो आपके 10 लोग इंटरेस्टेड निकलेंगे ना, उनमें भी कोई 1 या 2 ही व्यक्ति लीडर निकलेगा जो आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना। आगे जो और
उनके जो 10 निकले उनमें से भी कोई एक दो निकलेगा तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। आने वाले समय में ये जो हजारों का आंकड़ा है इनमें से 10 20 30 ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो खुद के कंधे पे वजन उठाने के लिए तैयार होंगे, यानी कि खुद काम करने के लिए तैयार होंगे। आपने उन लोगों को आगे बढ़ाना है, वो आपके सभी लाइनों में से एक एक व्यक्ति दो दो व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया था या जिन जिन लोगों ने इंटरेस्ट आपकी टीम में से दिखाया, 5-10 लोगों ने, उन लोगों को आपको खुद बताना पड़ेगा जब वो इंटरेस्ट ले चुके होते हैं, थोड़ा काम करना शुरू हो चुके हैं, कि ये जो प्लान मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको खुद देना है। ऐसे नहीं है कि मैं चलो एक बार दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार 5 बार भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके बाद आपको ही देना पड़ेगा। और इसके लिए एक बढ़िया तरीका है, 5 बार आप प्लान दीजिए, उसको पहले ही बोल दीजिए कि मैं आपके केवल 5 प्लान दूंगा, 6वां प्लान आप दोगे, मैं आपके साथ रहूँगा। तो ऐसे ही 2-4-5 प्लान आप उनके साथ रहें, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी रहें, कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ पता चलना चाहिए कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहा है, और वो गलतियाँ उसको तुरंत नहीं बोलनी है, बाद में बतानी है, नोट करनी है आपने। तो इस तरीके से आप वो करवाइए। उसके बाद 5वां और लास्ट पॉइंट, उसको भी यही काम आगे करने के लिए आपने बोलना है, यानी कि जो काम आपने डुप्लीकेशन के लिए किया था वही काम उनको करने के लिए बोलना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो उनकी जरूर तैयार कराएं, ठीक है ना। या तो इसको आप 5वां पॉइंट बोल सकते हैं या 6ठा पॉइंट बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जाता है उसके पास पूरा टूल होना चाहिए, कुछ आपकी कंपनी के प्रोडक्ट होने चाहिए, कैटलॉग होनी चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए, उसको प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको बैठ के आपने तैयार करानी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बैठ के उनका एक एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि जब पढ़े हैं हम तो उस टाइम पे क्या होता था, साल भर हम पढ़ाई करते थे, लास्ट में एग्ज़ाम होता था। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, 10 दिन अगर हमने अपने किसी एक व्यक्ति को ट्रेंड किया है तो उसको बीच बीच में एग्ज़ाम लेते रहिए कि आपको जो मैंने ये चीज़ सिखाई है इसको आप मुझे बताइए, किसी और को नहीं बताना है, और कहिए आप गलत भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको उत्साह दीजिए, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको बोलिए कि आप गलत भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं अगली बार आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपने जो चीज़ें बोली हैं उसमें ये चीज़ आपकी छूट चुकी है, इसको ऐड करना है। तो सिंपल तरीके से उसको सिखाना है, ज़्यादा बड़ी बातों से नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका जो प्लान है वो बिल्कुल डुप्लीकेशन होता चला जाएगा, और जब आपके लीडर को 5-10 हज़ार की इनकम आने लग जाती है फिर तो वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर तो वो कंपनी के वर्कशॉप के अंदर, कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जूम ट्रेनिंग के अंदर, वेबिनार सेमिनार के अंदर वो डेली सीखता ही रहेगा, फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, ठीक है ना। तो डुप्लीकेशन के लिए सरल तरीका अपनाएं और इन 5-6 पॉइंटों का ध्यान रखें, जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।